गाइस वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो गाइस ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो ये इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग है, एज पीबी ड्राइंग है, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ओके, स्पेसिफिकली जब कास्टिंग के पहले आप जब पाइप्स डालते हैं स्लैब के, जब कास्टिंग एक दो दिन पहले, तब की ये ड्राइंग है। आपको एज साइट सिविल इंजीनियर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एज ए साइट इंजीनियर आपको इम्पोर्टेंट है हर एक चीज़। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना गाइस, एंडिंग तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं वन बाय वन हमारा ड्राइंग के बारे में। तो गाइस एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें, ये ड्राइंग रीड करने आनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल के कंडक्ट्स के बारे में, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके, और इसको आपको ये वीडियोस डिटेल में चाहिए। इसके ऊपर हर एक चीज़ में डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसको जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी 1 BHK के लिए फ्लैट के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, और 2 BHK के फ्लैट के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए, उसके डिटेल में आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। तो इस वीडियो को आप मिनिमम 100 लाइक्स तो आने चाहिए गाइस, और आने वाले वीडियोस में मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा गाइस, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइस तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो गाइस इस ड्राइंग में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में। इसमें स्पेसिफिकेशन और जनरल नोट्स है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे, जो कि 1 BHK 2 BHK फ्लैट के लिए जो भी पॉइंट है, और जो भी है स्लैब हाइट है, स्विच बोर्ड है, जितने भी पॉइंट है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और 1 BHK के फ्लैट में जो डिफरेंस है पॉइंट के बारे में, वो हम कंपेरिजन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंडिंग तक देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का। हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, हर एक लाइन के बारे में, जो कि फेज और लाइन, 3 फेज वायरिंग और 1 फेज वायरिंग क्या होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो गाइस ड्राइंग में देख सकते हो आप, जो कि फर्नीचर प्लान भी है और इलेक्ट्रिकल की वायरिंग के बारे में भी लिखा है। आप डिटेल में इसे देखेंगे तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है हर एक पॉइंट के बारे में, जो भी हमारे शॉर्टकट से, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप पहले तो वायरिंग देख लो गाइस, जो कि रेड, ब्लू, येलो और ग्रीन कलर की वायरिंग आपको दिख रही है। इसमें हर एक कलर का एक कोडिंग है गाइस, जो कि आपको डिटेल में आने वाले टाइम में बताऊंगा मैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। हम देखेंगे कि हर एक चीज़ जो कि ड्राइंग में दी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग है उसके बारे में, जो कि हमारा टिपिकल फ्लोर प्लान है 2 BHK और 1 BHK के रिगार्डिंग। उसमें जो डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पॉइंट के बीच में, वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइस वीडियो एंडिंग तक देखना, स्किप मत करना। बस मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, आपके साथ शेयर कर जो कि टिप्स है आज थंब रूल से साइट इंजीनियर के, वो भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, और जो भी डिफरेंस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे गाइस। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंडिंग तक देखना गाइस। तो गाइस ये जो हमारा फ्लैट है 2 BHK वाला, ये फ्लैट है, उसके बाद ये भी 2 BHK वाला है, फिर जो बीच में आता है वो हमारा 1 BHK के लिए है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर पैसेज है 1.8 मीटर का, उसके बाद एंट्री है, फिर यहाँ पर लिविंग, उसके बाद बाथरूम, उसके बाद यहाँ पर किचन है हमारा, उसके एंडिंग में पेड़ है हमारा, और बीच में डक दिया है यहाँ पर।
यानी कि हॉल, बेड, किचन और बीच में टॉयलेट और बाथ। ओके, इसका जो डिफरेंस है, और ये 2 BHK देख सकते हो यहाँ पर आप, हॉल, किचन और 2 बेड, 2 बेड हमारे, एक के लिए अटैच टॉयलेट बाथ है और एक कॉमन है टॉयलेट बाथ सबके लिए है आपके। तो ये डिफरेंस आज हम डिटेल में देखेंगे गाइस। तो गाइस, एज अ साइट सिविल इंजीनियर, सीनियर सिविल इंजीनियर, आपको एक चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही इसेंशियल है। अगर आप इलेक्ट्रिकल को ड्राइंग रीड करना चाहते हो तो आपको एक तो पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, हर एक कोडिंग, कलर कोडिंग और जो भी हमारे शॉर्टकट्स लिखे होते हैं वहाँ पर, स्विच बोर्ड और पॉइंट 1, टीवी पॉइंट, टेलीफोन S4, PP1 क्या है, G क्या है, IPP क्या है। यहाँ पर देख सकते हो PP1 यानी कि आपका जो 16 एम्पियर का किचन में होता है, फ्रिज, मिक्सर और वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट। उसके बाद G यानी कि गीजर के लिए पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा IPP यानी कि इन्वर्टर के लिए, जो कि सॉकेट है हमारा 20 एम्पियर का, वो लगता है गैस। बाकी तो हम 6 एम्पियर और उसमें यूज़ कर लेते हो। तो गैस, ये जो चीज़ें आपको एज ए सिविल साइट इंजीनियर आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंस है हमारा 2 BHK के और 1 BHK फ्लैट के जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में, वो आज हम देखेंगे। इसमें तो बस 1 BHK, 2 BHK के लिए हमारा एक बेडरूम और एक बेड पर टॉयलेट ऐड होगा उसमें, बाकी 1 BHK के लिए वो कम होगा गाइज। सब बस यहाँ पर लिविंग, किचन, टॉयलेट पैसेज एंड बेडरूम आ जाएगा उसके, और इसके पॉइंट सेम है। बस यहाँ पर पड़ेगा हमारा बेडरूम एक और टॉयलेट एक। ओके, इसके पॉइंट में चेंजेस है गाइज। यहाँ पर एक USB 3 करके, L8, L8A, L9, उसके बाद यहाँ पर एक यही वाला डिफरेंस है, पैसेज में आ जाएंगे वो। ओके, जो कि पैसेज होगा ऐड हमारे 1 BHK के फ्लैट में उसमें। तो गाइस, पहली बात तो जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन है यानी कि जो एरिया, एक ही स्विच बोर्ड के जो भी कॉमन नेम से उसके, उसके बाद USB हाइट, और उसके बाद फिक्चर कंसोल कंट्रोल, और उसके बाद मेटल बॉक्स और मेटल प्लेट, सेम है ये 1 BHK के लिए। ये जो 1 BHK के लिए हमारा गीजर तो एक ही लगेगा, IPP भी एक ही लगेगा, G1। उसके बाद यहाँ पर जो S4 है, यहाँ पर दिखने वाला, यहाँ पर कम किया है उसने, यहाँ पर S4 नहीं दिया उसने, बाकी तो सेम है। बस यहाँ पर एक बेडरूम ऐड किया है और टॉयलेट में जो पॉइंट्स है वो एडिशन में है उसके। यहाँ पर देख सकते हो ये जो एडिशन है, ये 1 BHK फ्लैट में नहीं है, जो कि बहुत सारे कम पॉइंट कम हो गए इसके लिए हमारे। गैज, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की इस डिफरेंस में, जो कि हमारा किचन है वो तो सेम आ जाएगा 2 BHK और 1 BHK के फ्लैट के लिए। यहाँ पर बस यहाँ पर कुछ पॉइंट ज़्यादा ऐड किए उन्होंने, फ़ैन और EX का पॉइंट ऐड किया, जो कि यहाँ पर नहीं दिए वाले उन्होंने। ओके, आप देख सकते हो इसमें ड्राइंग में भी, जो कि हमारा लिविंग है, हॉल हॉल है, फिर बेड है, 2 बेड और 1 किचन है। इसमें जो वायरिंग है यहाँ पर एक कंबाइन होगी यहाँ पर, फॉर फिर उसके बाद हमारे डक्ट में जाएगी, इलेक्ट्रिकल डक्ट 4 फीट बाय 4 फीट का या फिर 2.5 फीट बाय 2.5 फीट का होगा वो। आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद जो मेन डिफरेंस है 2 BHK और 1 BHK के फ्लैट के लिए, यहाँ पर आप डिटेल में इसका रूट देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है टिपिकल व्यू फॉर 2 BHK डबल डुअर। ओके, यहाँ पर लिखा है टिपिकल व्यू फॉर 1 BHK फ्लैट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कि मेन मीटर की रूम है वहाँ पर सप्लाई कनेक्ट होके, यहाँ पर सब मेंशन किया है, जो कि MCB और कैसा सप्लाई रहेगा आपका। ओके, यहाँ पर 2 BHK के लिए और यहाँ पर 1 BHK के लिए ये फ्लोर डायग्राम दिखाई है उन्होंने, जो कि मेन मीटर टू आपका जो कनेक्शन है
हर एक कनेक्शन का पार्ट है, उसमें कैसी जा सकती है वहाँ पर डिटेल में देख सकते हो आप, एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो गाइस एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अगर गाइस कलर कोडिंग के बारे में देखा जाए तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये होती है हमारे अर्थिंग के लिए। जो ब्लैक है वो होती है हमारी ब्लैक है जो न्यूट्रल के लिए होती है, और रेड येलो और ब्लू लाइन होती है वो हमारा थ्री फेज और वन फेज के लिए वायरिंग होती है। गाइस आप देख सकते हैं हर एक कोडिंग यानी कि जो कलर कोडिंग है उसका जो डिफरेंस है आप देखेंगे यहाँ पर। एज ए साइट इंजीनियर ये चीज़ें आपको याद रखनी है गाइस। ओके तो गाइस ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि येलो होता है और ब्लैक होता है वो न्यूट्रल के लिए, येलो और ग्रीन होता है अर्थिंग के लिए, बाकी आर वाई भी यानी कि रेड येलो एंड ब्लू ये थ्री फेज और वन फेज वायरिंग होती है। तो गाइस इस फ्लैट में हम देखेंगे अब बेड के बारे में, जो कि बेडरूम है वहाँ पर लगेगा SV4 स्विच बोर्ड 4 और V4, उसकी हाइट होगी 4.6 फीट और 2 फीट के बारे में। यहाँ पर बेडरूम 1 है हमारा ये वाला, यहाँ पर जो फैन है उसके वायरिंग आप निकाल सकते हो, यहाँ पर डिस्टेंस भी दिया है। जब आप कास्टिंग करेंगे तब आपको ये डिस्टेंस, ये जो फैन बॉक्स है मेटल बॉक्स होता है यानी कि बॉक्स होता है फ़ैन के लिए, वो आपको अच्छे तरह से लगाया है या नहीं वो आपको देखना पड़ता है एज साइट इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट भी आपको चेकिंग के लिए आ सकते हैं गाइस, जब भी कास्टिंग के पहले आपको कंफर्मेशन उनका भी तरफ से लेना है गाइस, जो कि साइट कंप्लीट हुई है कि नहीं कास्टिंग के पहले। उसके बाद हम देखेंगे जो कि हमारा बेडरूम 2 है और उसका जो अटैच टॉयलेट है उसके बारे में। यहाँ पर हमको लगेगा SV5 SV6 P5 TV2 AC और हमारा जो गीजर है बाथरूम में और टॉयलेट के बीच। हमारे जो AC की हाइट है वो 7 फीट पे लेनी है आपको, 16 एम्पीयर का सॉकेट है फॉर AC। ओके उसका 2E मेटल बॉक्स और मेटल फ्रेम रहेगी आपको। ये जो स्विच बोर्ड 5 और 6 है उसको 2-way का ही देना है, फैन 4 AC उसमें जो पॉइंट आएंगे वो आपको इंक्लूड किए जाएगा। इस 6 एम्पीयर के स्विच बोर्ड और सॉकेट आपको प्रोवाइड करनी है उसमें डिटेल में आप देख सकते हो। इसमें ये 2 BHK के लिए, आगे वाला हमारा है 1 BHK के लिए। हर एक सिविल इंजीनियर को एज अ इंजीनियर आपको ये ड्राइंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग की यानी कि कंडक्ट की अंडरग्राउंड कंसील्ड वायरिंग है ये आपको रीड करनी आनी चाहिए गाइस, जिसके इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो भी स्पेसिफिकेशन है वो आपको रीड करने आने चाहिए गाइस, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को इम्पोर्टेंट है सिविल इंजीनियर के डेली वर्क में। ओके जब स्लैब की कास्टिंग होगी उसके पहले आपको कंसील्ड वायरिंग करनी पड़ेगी आपको पाइपिंग के द्वारा। ओके स्लैब के अंडरग्राउंड पाइप डालने पड़ेंगे जैसे हम बार्स डालते हैं स्लैब में वैसी तरह। तो गाइस इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा, जो कि स्पेसिफिकेशन है उसकी मैं हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके ये आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गाइस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो आप स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस।
तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। गाइस आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है जिसकी एंजल ब्रोकिंग है, ऑफ स्टॉक है और जीरो दाए और हमारा नया आए वाला फायर से, इसके ऊपर खास ऑफर से गाइस। अगर आप मेरे लिंक के ऊपर जाके ये अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो तो आपको मिलेगा गाइस हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो भी वीआईपी ग्रुप है उसके ज्वाइन करने का एक अपॉर्चुनिटी चांस मिलेगा गाइस, जो कि आप मिस नहीं करना चाहोगे गाइस। तो मेरे लिंक पे जाके आप अकाउंट ओपन करना और मुझे मैसेज करना गाइस, और मैं आपको हमारे जो भी वीआईपी ग्रुप है उनके साथ ज्वाइन कर लूँगा गाइस, जो कि बेस्ट है आपके लिए। तो गाइस और एक बात, अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो या फिर सिविल इंजीनियर हो, ये चैनल आप ही के लिए है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि ऑटोकैड हो, ईटैब हो, स्टैड प्रो हो, हमारा 3ds मैक्स हो, वीरे हो या फिर RCDC जो कि VBS के रिगार्डिंग है, या फिर शार्प हो जो कि हमारे RCC डिज़ाइन या फिर स्टील डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं, उसके बारे में मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर किया है गाइस। आपने वो वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो गाइस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करना और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइस हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट आती है गाइस, जो कि जॉब के रिगार्डिंग हो, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के जॉब कॉल आते हैं वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसके नोटिफिकेशन की ऐड आती है वहाँ पे, या फिर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना हो तो वो भी मिलेगा आपको, या फिर आपको कोई ई बुक चाहिए या फिर ड्राइंग फाइल चाहिए, एस्टिमेशन शीट चाहिए, कोई क्वांटिटी और सर्वे कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं है, तो आप हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर और सपोर्ट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करने वाला है, और ऐसे ही सपोर्ट करना गाइस। थैंक यू।